हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आप सभी का स्वागत है फिर से न्यू सुपर ओवर की वीडियो में। तो आज हमारे जो लीग मैच आई पी एल के वो होने वाले हैं ख़त्म। आज दो मैच है 7:30 एक ही बजे सीमेंट इंसली जो है दो मैच चलेंगे, एक तो मुंबई वर्सेस एसआरएच का और दूसरा बेंगलोर वर्सेस दिल्ली का। तो ये जो सुपर ओवर है वो हम बेंगलोर वर्सेस दिल्ली में करने वाले हैं और ये आई थिंक टॉप टू की जो रेस है उसमें ज़्यादा महत्व रखता है कि कौन जाएगा। और उधर भी एमआई अगर जीत जाती है तो फिर ऑब्वियसली प्ले ऑफ के लिए वो क्वालिफाई कर भी सकती है। तो ये थोड़ा सा ना वो गड़बड़ है, मतलब दोनों मैच जो एक साथ वो नहीं देख पाएंगे। तो खैर चलिए, यहाँ पे अभी टॉस का समय, देखते हैं विराट कोहली क्या करते हैं। सिक्का उछलेगा और गिरेगा हमारे पक्ष में। ओके, तो पहले मैं करना चाहूँ बैटिंग। ऑब्वियसली अच्छी बैटिंग है हमारी टीम की और हर्ष पटेल जो है पप्पर पटेल गेंदबाजी में तरफ से करने वाले हैं। कंगीसो रबाडा ये पिछले साल के वो पर्पल कैप होल्डर रह चुके हैं जनाब, इस बार थोड़ा इतना इनका वो जो था लक रहा नहीं इतना। तो विराट कोहली ये बहुत बढ़िया, अभी थोड़े से फॉर्म में जो आने लगे, दो तीन बार उन्हें 50 भी बनाए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या शुरुआत मिलती है। और इससे बढ़िया शुरुआत हो ही नहीं सकती आरसीबी के लिए। जो हैदराबाद के साथ मैच था वहाँ पे चौके के साथ शुरुआत की थी बीके ने और यहाँ पे तो 6 के साथ आगाज कर दिया है कंगीसो रबाडा के इस सुपर ओवर का। ये लेंथ भी कुछ नीचे लग रही है मुझे जी, बिल्कुल डबल डोज। आज वैसे भी डबल डोज मिलेगा, यहाँ पे विराट कोहली डबल डोज दे रहे हैं कंगीसो रबाडा को, 2 छक्के। ये लेंथ कुछ बढ़िया है और बिल्कुल सही थी, हालांकि अगर ये छक्का होता तो परफेक्ट पे ये तीसरा सिक्स हो जाता हमारा, बट सिंगल मिलेगा। एबीडी स्ट्राइक पे अब आएंगे यहाँ से, देखते हैं एबीडी क्या कर सकते हैं। और ये बहुत बढ़िया पुल है, ये चौके वाला पुल है। पहली गेंद एबीडी खेल रहे थे और चौका जड़ दिया इस शानदार फील्डिंग के चलते। रन तो चले काफी बन रहे हैं हमारे और ये 4 उसमें और जोड़ दीजिए जनाब। दूसरा चौका एबीडी का, मैन ऑफ द मैच कौन जाएगा, बीके या एबीडी, क्योंकि अभी भी ये गेंद बाकी है। लास्ट बॉल गाइस एंड 4 के साथ फिनिश, यानी कि 12 रन एबीडी ने बनाए, 13 रन जो है विराट कोहली ने बनाया यहाँ पे। अब देखना होगा किसको मिलेगा मैन ऑफ द मैच अगर आरसीबी ये सुपर ओवर जीतती है। तो जी पप्पू पटेल बिल्कुल रेडी है यहाँ पे इन रनों को डिफेंड करने के लिए। और पृथ्वी दमदार शॉ, देखते हैं आज ये शॉ जो है कितनी गेंदे भेजेगा आसमान में। तो पहली गेंद आती हुई 26 रन चाहिए गाइस। ओ माय गॉड, 6 के साथ शुरुआत यहाँ पे, हैरान हूँ मैं थोड़ा, मुझे लगा कि शायद गेंद परफेक्ट थी ये। चलिए ये तो मैं श्योर हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट है और विकेट है ये शॉ का विकेट। अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी डेली कैपिटल को यहाँ से, लेकिन हालांकि जो आने वाले हैं इसके बाद वो तो कैप्टन है इसके और वो सबसे अग्रेसिव है इस टीम के मेरे हिसाब से, ऋषभ पंत। वो देखते वो कैसा खेले। अरे ये मार्कस स्टोइनिस आ गया, ओके आई थिंक सो कुछ गड़बड़ हुई वहां पे, लेकिन स्टॉइनिस ये तो फिर उससे भी ब्रूट है भाई, इनसे तो फिर बच के रहना पड़ेगा हमको। नहीं, गलत गेंद पर पटेल और स्टेप आउट सिक्स कवर के ऊपर से शिखर धवन, गब्बर का बल्ला भल्ला बोलेगा। इस बार गेंद थोड़ी दूर, 3 गेंदे 14 रन। ओ चलिए सिंगल आएगा भाई यहां से, इसका मतलब कि अब ये सुपर ओवर जो है सिर्फ ड्रा हो सकता है। 2 गेंदे 13 रन, 2 छक्के लगाइए सुपर ओवर को, ड्रा कर दीजिए मार्कस स्टॉइनिस। चले गेंद तो परफेक्ट कर दिए पप्पू पटेल ने और विकेट मिलेगा, यहीं पे कहानी समाप्त। पप्पू पटेल, हर्षल पटेल और विकेट के बीच में ना बहुत गहरा रिश्ता है, इनके पास तो विकेटें हैं ऐसे आते हैं जैसे वो लोहा चुंबक के साथ आकर्षित होता है। तो फिलहाल ये जो सुपर ओवर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने यहाँ पे जीत लिया और कितने रन से जीता है मेरे हिसाब से 10 के आसपास, अभी भी एक गेंद बाकी थी जी, बिल्कुल 10 के ऊपर ही जीता है। तो भाई यहाँ पे तो देखिए आरसीबी जीत चुकी है, अब एक्चुअली में क्या होगा वो वक्त बताएगा वहाँ पे। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा मैच आज देखने वाले हो, मुंबई या हैदराबाद का या फिर बेंगलोर या दिल्ली का। हर्ष पटेल मैन ऑफ द मैच बने जी, ना कोहली ना एबीडी, क्या बात है पप्पू पटेल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।